नेक्स्ट कॉलर है ओमवती गाजियाबाद से हमारे साथ, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, मैं ओमवती बोल रही हूँ। मैं 84 इयर्स ओल्ड हूँ, 84 साल की हूँ मैं। जी जी जी। और मेरे परेशानी तो बहुत है। देखिए इस समय मेरे जीभ में है ना, पहले लकवा मार गया था, अब वो लकवा तो ठीक हो गया, लेकिन ऐसे लगते छाले से भर रहे हैं जीभ में सारे, इधर उधर छाले बहुत भर रहे हैं, और हर समय परेशानी रहती है जीभ में आगे के नुक्कड़ में, और वो ठीक ही नहीं हो रहे हैं। आठ महीने के करीब होने आए, और सारी परेशानी होती है मुँह में भी, मुँह में परेशानी है। अब क्या है कि मेरा जो कफ है वो नीचे निकल के वो गले से निकलता है, मुँह में से गले में आता है। मतलब पेट में भी जाता है, मतलब ऐसा लगता है कोई छेद सा हो गया है जीभ में। अच्छा, छाले कहाँ पर है? छाले मुँह के अंदर है? छाले मुँह के अंदर जीभ पर, किनारों पर। कोई दवा खा रहे हैं क्या आप? दवाई दे रहे हैं एलोपैथिक, कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा ठीक है। अच्छा देखिए, आपको रोजाना एक गम आता है, एक गोंद आता है, और आप तो पुरानी फीमेल हैं, उसे कहते हैं, बड़ा मुश्किल से मिलता है, और असली लेना वो होता है मोरिंगा का गोंद। मोरिंगा जो इसको इंग्लिश में ड्रम स्टिक कहते हैं, जो बहुत लंबी सी एक, वो आपने देखी होगी, सब्जी बिकती है जिसे सहजन भी कहते हैं, और काफ़ी लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं। तो इसका गोंद आता है, मोरिंगा का गोंद कहते हैं, सहजन का गोंद भी कहते हैं। आधा ग्राम रोज़ाना पानी में मिला के आप इसे इस्तेमाल किया करें, आपके छाले भी जाएंगे, और आपको दूसरे जो परेशानियां आपने बताई हैं कफ वगैरह की, उसमें भी राहत होना मुमकिन है। कुछ और कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। हमारे साथ मलिक साहब है ग्वालियर से, स्वागत है आपका। लुधियाना से मैडम, नमस्ते जी। नमस्कार। लुधियाना से जी? हाँ, लुधियाना से बोल रहा हूँ। जी बताइए मलिक साहब। सत श्री अकाल डॉक्टर साहब, मैं मलिक बोल रहा हूँ लुधियाना से। जी आदाब। हाँ जी डॉक्टर साहब, ऐसा है कि मेरी उम्र है इस वक्त 65+। अच्छा। और किसी तरह की कोई फिजिकली मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मैंने सारी जिंदगी अपनी फिटनेस रखी है, पिछले 25 सालों से योग से जुड़ा हुआ हूँ। थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई है कि मैं सारी जिंदगी मैंने दोनों टाइम ब्रश किया है, सुबह को भी और शाम को, रात को सोते समय। अब थोड़ा सा गैपों अपना दांतों में ना, मसूड़ों में गैप आ गया है, जिसकी वजह से थोड़ी सी झंझनाहट सी होती है, कोई मिलेगा इसका इलाज? ठीक है। हाँ देखिए, एक बड़ा अच्छा इलाज है दांतों के रोगों के लिए, और वो एक या दो बार ही करना है, और अगर आपको लगे कि ये ठीक होने लगा तो फिर आप महीनों भी कर सकते हैं। देखिए, जो अनार आप खाते हैं तो छिलका फेंक देते हैं, ये छिलका फेंकना नहीं है, बल्कि इसका पाउडर या मंजन बना लीजिए, और इससे फिर आप दांत मांजिए, तो ये आपके दांतों के लिए, उसकी मसूड़ों की मजबूती के लिए और गैप के लिए बहुत अच्छा नुस्खा है। अनार लाइए, छिल के आप ले लीजिए, और उसका जो जूस है वो दूसरे घर वालों को पिलाइए, और आप मेरे ख्याल से आधा किलो भी ले लेंगे तो उसमें इतना मंजन बन जाए कि आपको कई महीने चल सके। तो आप इसे इस्तेमाल करें और खुश रहें, मेरी दुआ है आप इतनी उम्र में भी सेहतमंद हैं और सेहतमंद रहें। अगले कॉलर हैं मनीष पटना से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी मनीष, सवाल कीजिए। हाँ, मेरा प्रॉब्लम ये है मैडम कि सांस लेने में बहुत तकलीफ होता है हमको, एनी टाइम
और गले में खसखसाहट रहता है, लाइटिंग साफ नहीं होता है, यही प्रॉब्लम है बहुत 5 साल। हाँ देखिए, इस वक्त ऐसे रोगियों का अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है जिनको सांस की परेशानी है। कोई दवा ले रहे हों तो लेते रहिए, और दिन में 5 बार गर्म पानी पीजिए, खूब गर्म, ऐसा गर्म कि जैसे चाय की चुस्कियाँ लेकर हम पीते हैं। और देखिए, अलसी सौंठ और सौंफ धनिया, अलसी सौंठ सौंफ धनिया और गौन मोरिंगा, ये 5 चीज़ें का पाउडर बनाइए 100-100 ग्राम लेके, और पानी के साथ खाइए, और दिन में 5 बार गर्म पानी पीना ज़रूरी है, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्ते, मेरा जी नाम निर्मला सेन है, बोल रही हूँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरे जो हाथों की उंगलियाँ है ना, ये सुन हो जाती है कुछ काम करते करते। ठीक है जी, ठीक है, एज बता दीजिए अगर आप हैं लाइन पे तो। 40 एज। हाँ देखिए, ये 40 की उम्र जो है, इसके बाद ये सब चीज़ें शुरू होती हैं। अच्छा, ये ठीक हो सकती है। अगर कोलेस्ट्रॉल है तो लहसुन खूब इस्तेमाल करिए। लहसुन मैं भी 5-10 रोज़ाना खाता हूँ, एक निवाला मैं एक लहसुन रख के चबा लेता हूँ, खा जाता हूँ, फिर ऐसे एक और, फिर एक और, फिर एक और, ये आप लिया करिए। अदरक का खूब इस्तेमाल करिए अपने खाने में, ये बहुत अच्छा है। और देखिए, ऐसे सीधा बैठ के ये बहुत फ़ायदेमंद है। ऐसा जिन लोगों को भी हाथ की नसें सुन होने लगती हैं, ये लोग 2-4 मिनट रोज़ाना अगर ये एक्सरसाइज करें, और 2-4 मिनट ऐसे खूब ज़ोर से ऐसे ऐसे मोड़ें, ये भी 2-4 मिनट आप ये शुरू करेंगे तो 10 दिन में फ़ायदे की उम्मीद रखें, लेकिन कई महीने तक करें तो आप रोग मुक्त हो सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर हैं मंजू, हरियाणा से हमारे साथ, स्वागत है मंजू आपका। जी मेरे को कमजोरी बहुत लगती है और गैस बनती है, नींद नहीं आती है। मंजू आपकी एज कितनी है बेटा? मेरी 40 है सर, और मेरे हस्बैंड को भी यही परेशानी है, छाती में जकड़न होती है उनके, और कमजोर में हम सुबह उठ ही नहीं पाते, कुछ कर ही नहीं पाते, रात को हमें नींद ही नहीं आती है, सुबह उठ ही नहीं पाते, बहुत कमजोरी लगती है हम दोनों। अच्छा देखिए, मैं आप दोनों को एक ही नुस्खा बता देता हूँ जो दोनों पर असरअंदाज होना चाहिए, ये आपको घर में बनाना है, और आपसे हिदायत ये है कि आपको पिसा पिसाया नहीं मंगाना, सब रॉ मटेरियल लेना है और घर में पीसना है, घर में बनाना है, फिर इस्तेमाल करना है। धनिया सौंफ सौंठ अजवाइन लिख लीजिए, आपके पास पेन कलम होगा, धनिया सौंफ सौंठ अजवाइन ज़ीरा और गौन मोरिंगा, धनिया सौंफ सौंठ अजवाइन ज़ीरा और गौंद आता है एक मोरिंगा का गौंद, ये आपको हासिल करना है असली, और इसका पाउडर बनाइए, और दोनों पति पत्नी एक एक चम्मच सुबह और शाम खाना है गर्म पानी से, और 5 बार गर्म पानी पीना है। आज से अगर आप शुरू करेंगे तो कल से आपको इसके अच्छे नतीजे देखने में मिलेंगे, लेकिन पिसा पिसाया कुछ नहीं लेना, सब रॉ मटेरियल लेना, ये रॉ मटेरियल है, आपको फायदा होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ ऊपर वाले से। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। जी नमस्कार, सावित्री जी। हाँ जी जी, नमस्ते जी, सवाल कीजिए अपना। हाँ जी मैडम, मेरे को ना 2009 से घुटनों में प्रॉब्लम है। ठीक है, और घुटनों में गैप आ चुका है जी, डॉक्टर मुझे ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं पर मैं ऑपरेशन करवा नहीं रही, मैं और आयुर्वेदिक दवाइयाँ खा रही हूँ। अच्छा आप अपनी एज बता दीजिए। मेरी 61। अच्छा देखिए, आप 2009 से तकलीफ में हैं, और मैं चाहूँगा कि यूनानी को आप
3 महीने दें ओनली 3 मंथ्स। और जब आपको दर्द हो तो दर्द की दवा ले सकते हैं, लेकिन मैं जो नुस्खा बता रहा हूँ वो आपको 3 महीना कमोबेश लेना है। ये एकदम फ़ायदा नहीं करेगा, ये बीमारी की जड़ पर काम करता है। और एक बात और बता दूँ आपको कि ये गैप नाम की चीज़ होती नहीं है, घुटनों में गैप आता ही नहीं है, तो ऑपरेशन से ज़रूर बचें। ये दवा आपको ऑपरेशन से दूर रखेगी और आपको इस लायक कर देगी, जैसे आप एक कॉल भी आई थी कि सब डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अब तुम ठीक नहीं हो सकते और ठीक नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। उसके घर में भी डॉक्टर था, लेडी थी एक जो मुझे बेटा बुला रही थी। तो एक नुस्खा बताता हूँ आपको, देखिए अश्वगंधा लेना है 50 ग्राम, अश्वगंधा 50 ग्राम, अलसी 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम। अश्वगंधा 50 ग्राम, अलसी 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम, छोटी हड़ 100 ग्राम और गौंद स्याह लिखिए, यानी काला गौंद भी लिख सकते हैं, ये बड़ी मुश्किल से मिलता है और नकली भी मिलता है, इसको आप असली लेना है। इन सबको अपने घर में पाउडर करना है, रॉ मटेरियल लेना है सारा, कोई भी चीज़ पिसी पिसाई नहीं लेनी, अगर पिसी पिसाई ली तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। इसका पाउडर बनाएं और 1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम दोपहर, 1 ग्राम शाम, यानी एक कैप्सूल की बराबर आपको खाना है। 8-10 दिन मुझसे कुछ नहीं कहना, ये सोचिए कि फ़ायदा ही नहीं होगा। आपको इससे पहले भी फ़ायदा हो सकता है, लेकिन मैं मरीज़ से कहता हूँ कि 10 दिन तक कोई शिकायत ना करें। 1 महीने अगर खा लेंगे आप तो आप फिर छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपको 30-40% फ़ायदा हो जाता है अक्सर। और 3 महीने में अगर आपको कम भी फ़ायदा हुआ तो आप 4 महीने भी खा लेंगे। और ये मटेरियल जितना मैंने बताया आपको, ये ख़त्म होते होते आपकी सेहत का ठीक होना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर हैं सोनू लखनऊ से हमारे साथ, स्वागत है सोनू आपका। हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार। आदर। जी बोलिए। मेरी उम्र जो है वो 34 साल है और मेरे ना कान में कुछ टिनाइटिस की प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है इसी साल जनवरी से, तो उसी के लिए थोड़ा सा पूछने था क्या इसका कुछ इलाज हो सकता है। क्या महसूस होता है बताएं? कान में कुछ बहुत तीखी जैसी एक आवाज सुनाई देती है। ठीक है। कान में सोने में थोड़ी सी रात में दिक्कत होती है, बाकी तरह से ध्यान ना दे तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं तो बहुत इरिटेशन होती है। अभी बताइए आप काम क्या करते हैं? जी मेरा फाइनेंस रिलेटेड वर्क है। अच्छा, और बहुत आराम करते हैं? जी। अच्छा देखिए 2-3 बातें हिदायत दूंगा आपको, आप ठीक हो सकते हैं, पहले तो ये खुशखबरी सुनिए। और जैसे घर में हम टीवी देख रहे हैं और ऐसे करके तकिया लगा रखा है, ऐसे करके या ऐसे करके अखबार पढ़ रहे हैं, जो है ना बेड से सर लगा हुआ है और बेतरतीब बैठे, बेतरतीब बैठना बंद कर दीजिए। और एक्सरसाइज रोज़ाना 6 मिनट आपको करनी है, जो मैं आपको बताऊं। देखिए ऐसे सीधा बैठे और ऐसे 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 खूब ज़ोर से मोड़े, यहाँ तक लाएं और यहाँ देखें, ये 3 मिनट और 3 मिनट ये ऐसे। मोंडा नहीं उठना चाहिए, लोग मोंडा उठा के यूँ मिला लेते, नहीं मोंडा वहीं रहे, आप कान लेके जाइए, नहीं जाए तो कोई बात नहीं, ऐसे 3 मिनट। इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, मैं तो इसलिए बता रहा हूँ कि आप परेशान ना हो जाएं, 3 मिनट बहुत होते हैं, घड़ी देख के करना है, चाहे 1-1 मिनट करके आप 6 बार में करें, उससे कम वक्त भी ले सकते हैं, एक तो ये। और गौंद स्याह, काला गौंद आता है एक, गौंद स्याह 0.5 ग्राम सुबह और शाम दूध पानी या जूस से लेना है, और 30 दिन तक आपको बगैर किसी शिकायत के ही करना है। मुझे उम्मीद है कि आप
पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, सीमा। स्वागत है सीमा जी आपका। हेलो जी। जी सीमा जी बताइए। जी बताइए सीमा जी। मेरे को पैरों में बहुत दर्द रहता है और पैरों की जो नसें हैं ना वो फूल रही हैं बहुत। मैंने उनका ऑपरेशन भी करा चुकी हूँ पर वो ठीक नहीं हुई ऑपरेशन के बाद भी। और रात में सोते वक्त मेरे हाथ भी सुन हो जाते हैं और हाथ में दर्द भी रहता है। अच्छा बेटा आपकी एज कितनी है? मेरी एज 38 साल है। अच्छा देखिए कुछ दिन के लिए बहुत मेहनत का काम बंद कर दीजिए और अगर घर में वेस्टर्न टॉयलेट नहीं है तो उसका इंतज़ाम करिए, ये दो बातें। और पोंछा लगाने जैसा काम आप मत करिए इलाज के दौरान। और एक गोंद आता है गोंद स्याह, काला गोंद कहते हैं, ये असली हासिल करें किसी भी तरह। और आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम रोज़ाना खाने के बाद खाएं, पानी और दूध से दोनों से ले सकते हैं। और ये 100 ग्राम आप खरीद लें और मुझे उम्मीद है कि आप इस 100 ग्राम ख़त्म होते होते आपकी सेहत ठीक होना मुमकिन है।